सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कवर करेंगे न्यूजीलैंड बास्केटबॉल लीग का जो मैच होने वाला है तारानाकी माउंटेन वर्सेस साउथर्न स्टार्स के बीच में। ठीक है, तो छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कम टाइम में मैच चालू होने में। तो लास्ट मैच का लाइनअप देखेंगे, ये मैच का प्रोबेबल लाइनअप देखेंगे और लास्ट मैच का दोनों टीमों का जो बॉक्स स्कोर है उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग बात करेंगे साउथर्न स्टार्स की जो लाइनअप थी लास्ट मैच की। बेलगर, बर्टन, कनिंगम, इंगर और केलमन पोटो, तो ये पांच जन ने स्टार्ट किया था साउथर्न स्टार्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे तारानाकी माउंटेनर्स का लाइनअप। मार्सेल जोन्स, मुलविर, टेल्फर, वॉकर और टाई विनर, तो ये पांच जन थे तारानाकी माउंटेनर्स के लिए। तो ये लास्ट मैच की थी लाइनअप, तो ये मैच में भी ये प्रोबेबल लाइनअप हो सकती है। अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेरा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मेंशन किया है। अगर कुछ चेंजेस वगैरह होगा, इंजरी न्यूज़ होगी या फिर मेरी फाइनल टीम अगर आपको चाहिए रहेगी तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हैं। तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लास्ट मैच का बॉक्स स्कोर का साउथर्न शार्क्स का। इंगर का देख सकते परफॉर्मेंस, 27.6 रिबाउंड, 3 असिस्ट और 33 मिनट खेला था। बाद में एक केलमन पोटो जो ये टीम के कैप्टन है, 22.8 रिबाउंड, 4 असिस्ट और 27 मिनट खेला था। बाद में बेलगर बॉल हैंडलर है ये टीम का, असिस्ट ज़्यादा करेगा लेकिन टर्नओवर का भी चांसेस ज़्यादा होता है। इसका असिस्ट का चांसेस जैसे ज़्यादा होता है जो बॉल हैंडलिंग करता है तो उसका टर्नओवर का भी चांसेस हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेलगर 19.9 असिस्ट, 29 मिनट खेला था। बर्टन का परफॉर्मेंस, 14.5 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 29 मिनट खेला था। हेलू देख सकते हैं 10 मिनट खेला था और 7.3 रिबाउंड उसने दिया था। कनिंगम 6.5 रिबाउंड 26 मिनट्स में। होल का परफॉर्मेंस 3.2 रिबाउंड 7 मिनट में। बाद में जो है गिलोली 2.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 17 मिनट खेला था। और जो बाद के चार प्लेयर है इसको सीधा आप इग्नोर कर सकते हो, इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है खेलने के लिए। ठीक है, तो ये टीम से एसपीबी के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा केलमन पोटो, उसके बाद में है बेलगर, बाद में है इंगर और बाद में है बर्टन। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो सेकेंड टीम है तारानाकी माउंटेन्स की। सो स्मॉल लीग अगर खेल रहे हो आग बन करके, आपको मार्सेल जोन को एसपी या पीपी करके चलना है। बेस्ट प्लेयर है, देख सकते हो 34 मिनट्स, 23.15 रिबाउंड, 2 असिस्ट। बाद में है वॉकर, 16 पॉइंट्स किया था 4 असिस्ट के साथ, 34 मिनट खेला था। विनर देख सकते हो, रिबाउंड कलेक्टर करने के लिए माहिर है, सेंटर प्लेयर है ये। विनर का परफॉर्मेंस 14.10 रिबाउंड्स और 28 मिनट खेला था। बाद में डेविडसन 7.6 रिबाउंड, 4 असिस्ट, 22 मिनट खेला था। बेली नोवेल 6.1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 13 मिनट खेला था। बाद में है लियोगी एपे डस्टोगी 5.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 15 मिनट खेला था। बाद में फेनविक जो 15 मिनट में 3.1 रिबाउंड। मुलविल देख सकते हैं 26 मिनट खेला था, 3 पॉइंट और 2 असिस्ट किया था। लास्ट मैच में चला नहीं था मुलविल लेकिन ये स्टार्ट करता है। और जो उसके बाद में टेल्फर ये भी स्टार्ट किया था टीम के लिए, 16 मिनट किया था, सिर्फ उसने 2 रिबाउंड लिए थे। तो ये कुछ थी लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर की स्टैट्स तारानाकी माउंटेनर्स के लिए। ठीक है, तो ये टीम से आपके लिए बेस्ट चॉइस होंगे एसपीबीपी के लिए मार्सेल जोन्स, बाद में है टाई विनर। ठीक है, तो दोनों ही आपके लिए अच्छे पिक साबित हो सकते हैं स्मॉल लीग एज वेल एज फॉर ग्रैंड लीग। तो मैं अभी सीधा आपको मेरे बताऊंगा जो टीम की प्रीव्यू रहने वाली है ये मैच के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने लिया है बेलगर को, बॉल हैंडलर है। बाद में मुलविल, बाद में है जे हेलू। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई दिखेगा नहीं, तो ये तीन ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मुलविल को ड्रॉप करना है तो आपको किसको लेना है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। शूटिंग गार्ड सेक्शन में मैंने लिया है जो हैरम वॉकर को लिया है जो स्टार्ट करेगा। आपके पास अनदर ऑप्शन रहेगा बेली नोवेल, डी लोगी अपे या फिर ए बर्टन। ठीक है, तो क्रेडिट के कारण मैं एच वॉकर को लिया हूँ अपने टीम में। बाद में स्मॉल फॉरवर्ड सेक्शन से मैंने लिया है डेविडसन को। और जैसे मैंने बताया कि पीजी सेक्शन में आपको ऑप्शन दिया था मैंने मुलविल जो स्टार्ट करेगा या फिर जो बेंच से आएगा गिलोली। ठीक है, या फिर आप गिलोली को भी ले सकते हो। गिलोली का एक अच्छा बात है कि वो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, आपको रिबाउंड दिखेगा, पॉइंट स्कोर करते दिखेगा। लेकिन अगर नहीं चलेगा तो आपको ये कुछ भी नहीं देगा, तो ये आता है बेंच से और मुलविल करेगा स्टार्ट। तो दोनों में आपको एक किसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पीएफ सेक्शन से आप देख सकते हो केलमन पोटो क्रेडिट हाई होने के कारण मैं ले नहीं पा रहा हूँ उसको। आपको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना है, अगर स्मॉल लीग में आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर करें। मार्सेल जोन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। बाद में मैंने लिया है टाई विनर को, बेन इंगर को लिया है मैंने। इंगर आप देख सकते हैं लास्ट मैच का टॉप स्कोरर था ये टीम के लिए। बाद में सेंटर सेक्शन से मैंने लिया है मार्सेल जोन्स को। ठीक है, तो कनिंगम को आप ले सकते हो, फेनविक भी आपको दिख जाएगा खेलते हुए। ठीक है, तो मार्सेल जोन्स को आपको अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो एसपी या पीपी करके चलना ही है मार्सेल जोन्स को। तो ये मेरी कुछ है टीम की प्रीव्यू। डिफ़ॉल्ट एसपी पिक है आपके लिए मार्सेल जोन्स,
पीपी के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे ये मैच के लिए विनाड, बेलगर, इंगर, ठीक है। तो यहाँ इस मैच में पीपी के लिए कोई आपके लिए सिलेक्टिव ऑप्शन नहीं रहेगा कि इसको ही पीपी करके चलना है, क्योंकि ये तीनों भी अनप्रेडिक्टेबल है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कौन ज़्यादा पॉइंट देगा, तो आपको सोच समझ के पीपी रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने लिया है विनाड को पीपी रखा है, ठीक है। और जो लास्ट प्लेयर मैंने आपको बताया था वो मुलविल या फिर आप गिलोली को अपने टीम में ले सकते हो। तो ये मेरी रहेंगी टीम की प्रीव्यू, फाइनल टीम मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर रोहित द हिटमैन, या जैसे मैंने कहा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने के टाइम मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।